हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के डीएम में बहुत सारे जो क्वेरीज आते हैं कि सर, अगर मैं किसी के लिए गेम बना रहा हूँ तो एज एन आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट, तो मैं उसको कॉस्टिंग क्या दूँ, कैसे दूँ, यूजुअल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूँ, बेसिक कैलकुलेशंस बताता हूँ कि आपको अगर किसी के लिए काम करना है तो आप कैसे करें कैलकुलेशंस। ये सिंपल एक एक्सेल शीट द्वारा मैं बताने वाला हूँ। ये एकदम स्टैंडर्ड मेथड ऐसा कुछ है नहीं, दिस इज़ जस्ट माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू गाइस। आइडियली जो बड़े स्टूडियोज होते हैं वो लमसम में बताते हैं कॉस्टिंग को, बट ये अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको रफली एक एस्टिमेट मिलेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसके ऊपर आप जो भी अपना मार्जिन लगा सकते हो, आप लगा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द एक्सेल शीट एंड लर्न हाउ टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने एक सिंपल सी एक्सेल शीट ली है। मैं इस पर कुछ फैंसी चीज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं जितना हो सकता है बेसिक, एकदम जितना भी बेसिक डाल सकता हूँ इन्फॉर्मेशन वो डालूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आए। कुछ फैंसी नहीं करते इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। मैं पहले जो बाहर के लोग करते हैं, जो रेट्स है उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स डालता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सी प्रोफाइल। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक गेम डिज़ाइनर लगने वाला है, हमें एक गेम आर्टिस्ट लगने वाला है। लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ 3D गेम, अ सिंपल 3D गेम, जैसे सबवे सर्फर हो, उसका बेसिक वर्जन, नॉट एज डेप्थ एज डीप एज सबवे सर्फर, बट वैसा कुछ। सो इसको हम लोग 3D गेम आर्टिस्ट बोलेंगे। देन वील सी एनवायरमेंट आर्टिस्ट। बेसिकली मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मॉडलिंग में और एनवायरमेंट क्रिएशन में। मेरे दो आर्टिस्ट होंगे शायद से इस पर काम करेंगे। एक होगा फिर प्रोग्रामर, और यहाँ पे होगा सीनियर प्रोग्रामर, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम्स। यूजुअली क्या होता है, ये जो कॉस्टिंग है ये बाहर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यूजुअली अराउंड $30-$50 पर आर भी होते हैं। तो जस्ट फॉर कैलकुलेशंस यहाँ पे हम लोग आर्ली रेट्स लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग मंथली लिखते हैं, डेली लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग मंथली लिखते हैं। अगर एक घंटे में लेट्स से $30 होते हैं, पर इंडिया के कंपैरिजन में मैं उसको 50% कर दूंगा, क्योंकि आप यही कॉस्टिंग लगा नहीं सकते। इवन आप किसी बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो भी आप ये रेट्स नहीं लगा सकते, बिकॉज बाहर के लोगों को पता है यार कि इंडिया में सस्ते हैं लोग। सो लेट्स जस्ट फॉर एग्जांपल $15 ले लेते हैं गेम डिज़ाइनर के लिए, और सबके लिए उतना ही लेते हैं, सिर्फ एक सीनियर प्रोग्रामर के लिए 20 ले लेते हैं। ये एक मैंने बेसिक कंपोजिशन बताया हुआ है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ दो ही बंदे, या फिर सिर्फ एक ही बंदा है, बट कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो इस हिसाब से आर्ली रेट्स ये है हमारी टीम के। डेली अगर हम लोग देखें तो डेली 8 घंटे कैलकुलेट करते हैं इन लोगों के। सो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 8 एंड सी कितने आते हैं। $120 पर डे ऑन एन एवरेज, और सिर्फ ये प्रोग्रामर के ज़्यादा है। फिर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 2 महीने लगने वाले हैं, एक 3D गेम है जिसको 2 महीने लगने वाले हैं, और मेरे पास ये छोटी सी टीम है। सो मंथली के लिए मैं सिर्फ 22 डेज पकड़ूंगा, वीकेंड्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। सो मंथली मेरा कॉस्टिंग आएगा 22 इनटू दिस नंबर विच इज $2,640, और ये सब डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं इसके बाद में और सिंप्लीफाई करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा इंडिया के हिसाब से आपको एकदम नीचे तक कैसे लेके जाना है इसको। अभी आप देखोगे तो मेरे 1 महीने की कॉस्टिंग, बिकॉज
आर्ली 15 है, डेली 8 घंटे अगर काम करेंगे तो $120 होते हैं, और मंथली अगर 22 डेज काम करते हैं तो $2,640 एक बंदे के और है। ऑब्वियसली सीनियर प्रोग्रामर के ज़्यादा है, बट अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर इसको सम कर दें, 14,080 डॉलर्स हो रहा है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 14,080 डॉलर्स इज नथिंग बट 10 लाख रुपए होते हैं, विच इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट लुकिंग एट। यहाँ पे इतना एक महीने का अगर आप किसी इंडियन क्लाइंट को, या इवन यू नो बाहर के क्लाइंट के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले इंडियन के बारे में बात करते हैं, अगर इंडियन क्लाइंट्स को आप एक महीने की कॉस्टिंग इतना देंगे तो यू नो द चांसेस ऑफ यू नॉट गेटिंग द प्रोजेक्ट इज़ वेरी हाई। और ये स्टैंडर्ड है बिकॉज ये यू नो लोगों के बाहर इतनी कॉस्टिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतने दो। एकदम सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं अभी, यू नो थोड़ा उसको बजट में लाने के लिए, कि मान लेते $5 है हर बंदे का, और उस हिसाब से मैंने बिकॉज कैलकुलेशन यहाँ पे किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे टोटल हो जाते हैं $5,280 $5 के हिसाब से। नाउ इफ़ यू जस्ट सी $5,280, इट्स 396,000 समथिंग। 396,000 पर मंथ इज ऑल्सो ओके, बट ऐसे भी कैलकुलेशंस करके आप दिखाएंगे लोगों को, ये बेसिकली दिखाना है नहीं लोगों को, पर स्टिल ये कैलकुलेशन के हिसाब से भी आप चीज़ों को नहीं कर सकते। सो लेट्स ट्राई अनदर मेथड, हम लोग सिंपल एक अलग मेथड यूज़ करेंगे जहाँ पे यू नो इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मान लेते हैं सीधा मंथली कॉस्टिंग इंडिया के हिसाब से 25,000 रुपीज़ मैं दे रहा हूँ मेरे गेम डिज़ाइनर को, 3D आर्टिस्ट को मैं दे रहा हूँ 30,000, एनवायरनमेंट आर्टिस्ट को मैं दे रहा हूँ 40,000, प्रोग्रामर को मैं दे रहा हूँ 70,000, और ये मेरा सीनियर प्रोग्रामर है तो मैं उसको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस यू गेट $2,65,000। नाउ अकॉर्डिंग टू मी ये एक डिसेंट रेंज है। अब ऐसा भी होता है बहुत बार प्रोजेक्ट्स में कि ये लोग 24 आवर्स इस पे काम तो नहीं कर रहे, 24 आवर्स को भूल जाते हैं, लेकिन 8 घंटे जो वो कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी इतना डेडिकेटेडली इस पे काम नहीं करते, स्विचिंग होता रहता है। बट जस्ट फॉर दिस कैलकुलेशन लेट्स से कि ये पूरा टाइम ये 5 लोग इसी पे काम कर रहे हैं, एंड वी गेटिंग दिस कॉस्ट ऑफ 2,65,000। नाउ ये आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई, इसके ऊपर नाउ ऑलरेडी आप इसमें सेव कर रहे हैं बिकॉज आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, पर इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी डालना है। नाउ इफ़ वी जस्ट कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, 30% ऑफ वॉट दिस कुड बी द बेसिक प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं इन 2.3 विच इज़ 79,500, विच इज़ अगेन हम लोग इसको और इसको, सो वी आर गेटिंग 3,44,500 इज माई मंथली कॉस्ट। और अगर मैं इसको यू नो 2 महीने काम करूँ इस प्रोजेक्ट पे तो मेरा हो जाता है इन टू टू अगेन विच इज अगेन दिस इन टू टू विच इज 6,89,000। दिस प्रॉबेबली कैन बी योर कॉस्टिंग दैट यू कैन गिव फॉर 2 months ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब इसके ऊपर नीचे आपको खेलना है, इसके ऊपर नीचे आपको देखना है कि यू नो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी होती है, जैसे ओवरहेड कॉस्ट है कि आपकी यू नो रेंट के कितना लग रहा है, आपकी लाइट की कितनी लग रही है, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करते हैं लोग। लेकिन आइडियली आप उसको अगर इस रेंज में रखेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, तो आपको द चांसेस ऑफ यू यू नो गेटिंग दैट प्रोजेक्ट इज आर ग्रेट। नाउ एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो मिड स्केल कंपनीज है जो बहुत सारा काम कर चुके हैं, इनफैक्ट हमारे केस में भी वी रियली डोंट गो इनटू कैलकुलेटिंग दिस
नंबर्स. हम लोग यू नो हम लोग बिकॉज हम लोगों ने इतना काम कर लिया है ऑलरेडी, हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरीज भी पड़े हुए हैं, तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं गेम्स को. और ऐसे बहुत सारी कंपनीज करते हैं कैटेगराइजेशन गेम्स के, एकदम ह्यूज कंपनीज लिटरली आर्स आर रेट जो होता है उसके ऊपर काम करती है, बट मिड स्केल टू यू नो समवट थोड़ी सी बड़ी कंपनीज जो बी टू बी में ह्यूज है वो लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसे मान लो किसी गेम को 15 से 20 दिन लगने वाले हैं, एंड दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कि आपको देख के कॉन्सेप्ट देख के पता चल जाता है. उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो, जब तो इतना एक्सपीरियंस आ जाता है, तो इट बिकम्स ईजियर कि 15 एक आप कॉन्सेप्ट नोट GDD देख के बता सकते हो कि ये गेम के लिए 15 से 20 दिन लगने वाले हैं. दैट गेम माइट यू नो फॉल बिटवीन 1.5 lakh टू 2.5 lakhs के बीच में गिर सकता है. वी डू दैट काइंड ऑफ अ मैथ. फिर आगे उसके आगे यू नो एक महीने से डेढ़ महीने या दो महीने लगते होंगे, तो देन इट फॉल्स बिटवीन 3 lakhs टू 5 lakhs. अगेन कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट होती है इसके अंदर, बट 3 lakhs से 5 lakhs के बीच में वो कोटिंग होता है. उसके ऊपर अगर जाता है 2 से 3 महीने का प्रोजेक्ट होगा, देन इट ऑल्सो फॉल्स यू नो 5 से 10 lakhs एक्सक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे अगर मान लो 2 महीने के ऊपर भी लगने वाला है, लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लेयर एंगल भी है, या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एंगल भी है, या फिर मान लो बहुत कॉम्प्लिकेटेड AI बनाना है, देन द कॉस्टिंग अगेन गोज हाई. बट दिस ऑल कम्स व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड तो आप लोगों ने कर रखा है काम, कि आपको पता है यार कि मल्टीप्लेयर में यार 4 lakh और ऐड होने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है उसमें का क्या कॉस्टिंग, कितने लोग फिट होने वाले हैं, क्या करना है उन लोगों को. सो ये सब होता है, आइडियली कैटेगराइजेशन होता है. अगर बहुत ही ह्यूज यू नो मल्टीप्लेयर और बड़े गेम्स निकलते हैं, तो वो 10 lakh से लेके 50 lakh के बीच में जो भी आप उसके बाद में थोड़ा सा यू नो कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितने लोगों को रोल करना है, शिफ्ट करना है. बट अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप एक या दो लोगों की कंपनी हो, तो एक बेसिक इस तरीके से आप अपना डिवीजन कर सकते हो. सिंगल बंदे भी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, बट कैलकुलेशन के लिए आप ये चीज़ को ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि आप करने वाले हो काम इंडिविजुअली. आपके हिसाब से अगर आपको 2 महीने लगने वाले हैं, तो उसका उतना इम्पैक्ट, उतना ROI भी होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए. सो एक सिंपल सा एग्जांपल था, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जाओगे, ये डॉलर आवर्स पे काम करोगे, तो इंडिया के क्लाइंट्स के साथ आप ज़्यादा डील नहीं कर पाओगे. बट सिमिलर चीज़ आपको अपवर्क या freelancer.com पे बहुत अच्छे से मिल सकते हैं. जैसे 15-20-25 डॉलर पर आर के हिसाब से आप वहाँ पे अच्छे से कमा सकते हो. बट द ओनली थिंग इज स्टडी फ्लो नहीं होता वहाँ पे. स्टडी चीज़ें जैसे होते हैं ना, लोग अपवर्क या freelancer के लोगों के साथ लॉन्ग टर्म काम करने से थोड़े से कतराते हैं, बिकॉज बहुत ही फ्रजाइल होता है वो सिस्टम. बट अगर आप एक स्टूडियो फॉर्म कर सके, अगर आप एक प्रेजेंटेबल स्टूडियो बता पाए लोगों को, भले वो 2 लोगों का है और आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लोगों से ले रहे हो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बना के कंपनी को ग्रो कर सकते हो. एक B2B जो बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज के लिए काम करना जो होता है, आप इस तरीके से काम कर सकते हो. So I hope this this thing has cleared some of your doubts. I hope मैंने you know एक basic सी understanding दी है कि कैसे करते हैं. ये बहुत ही rough Excel sheet है, ऐसी होती नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें add होती है. But just to give you a brief idea, इस तरीके से आप 2-3 महीने के games के लिए, 2 या 3 महीने के games के लिए you know 6 से 8 lakh 10 lakh तक आप quote कर सकते हो, based on how you negotiate is also a different kind of a skill. So agar aapko next time koi project mil raha hai, to please is tarike se thoda sa calculation kijiye, shayad aap zyada profit kama le. That's it for this video. I hope this video was useful. Agar aapne channel ko subscribe nahi kiya hai abhi tak, to please jaake subscribe kijiye. Kuch queries hui to comment section mein daliye. Milta hu aap logo ko agle episode mein, tab tak ke liye goodbye.